आपके बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स चाहे कितना ही वेल डेवलप्ड हो, अगर आपका फोरआर्म्स अंडर डेवलप है तो आपका आर्म्स इनबैलेंस्ड ही दिखेगा, उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा। फोरआर्म्स का जो एनाटॉमी है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसके बावजूद फोरआर्म्स का साइज एंड स्ट्रेंथ बढ़ाना बहुत ही सिंपल है। हम जितने भी हेवी पुलिंग एंड कर्लिंग मूवमेंट करते हैं, अगर उसके साथ कुछ फोरआर्म स्पेसिफिक एक्सरसाइज हम ऐड करेंगे तो हमारा फोरआर्म बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। हेलो यूट्यूब फैमिली, फोरआर्म को प्रॉपरली ट्रेन करने के लिए पहले हमें फोरआर्म का जो मसल एनाटॉमी है ना, उसे थोड़ा पहले समझना पड़ेगा। हमारे फिंगर्स और रिस्ट को मोड़ पाने के लिए प्राइमरीली फोरआर्म्स के फ्लेक्सर मसल्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे फोरआर्म्स के पीछे की तरफ होते हैं एक्सटेंसर मसल्स, ये भी हमारे फिंगर्स और रिस्ट को मोड़ने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अब हम बात करेंगे हमारे फोरआर्म के साइज एंड स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। एक्सरसाइज नंबर 1, बारबेल आइसोमेट्रिक होल्ड। सिंपली आप एक हाथ से बारबेल को सेंटर से पकड़ेंगे और बैलेंस मेंटेन करेंगे। बारबेल आपको पैरेलल टू द फ्लोर रखना है, ना तो बारबेल आगे की तरफ झुकना चाहिए ना ही भाई पीछे की तरफ। ये एक परफेक्ट एक्सरसाइज है आपके सारे फोरआर्म मसल को हीट करने के लिए एंड हमारा ओवरऑल ग्रिप स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन ये एक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है और बेस्ड ऑन रिसर्च मैक्सिमम मसल हाइपरट्रोफी के लिए डायनेमिक मूवमेंट सुपरियर होते हैं अगर हम उन्हें कंपेयर करते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के साथ। इसलिए अब हम थोड़े डायनेमिक मूवमेंट्स ऐड करेंगे हमारे फोरआर्म के मैक्सिमम हाइपरट्रोफी के लिए। एक्सरसाइज नंबर 2, स्टैंडिंग रिस्ट कर्ल्स। आपको पीछे से एक बार पकड़ना है और अपने फिंगर्स को पूरी तरह से ओपन करना है ताकि बार जो है ना पूरे नीचे तक आ जाए। अब इतना भी मत ओपन करना ना कि बार नीचे गिर जाएगा। फिर अपने फिंगर्स और रिस्ट को ऊपर की ओर घुमाते हुए वेट को वापस ऊपर लाएं। इसमें प्रोग्रेस करने के लिए जैसे जैसे आप स्ट्रांग बनते जाएंगे वैसे आपको थोड़ा थोड़ा ज्यादा वेट यूज करना है। ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है हमारे फोरआर्म के फ्रंट फ्लेक्सर मसल्स का स्ट्रेंथ एंड साइज बढ़ाने के लिए। मैं पर्सनली स्टैंडिंग रिस्ट कर्ल प्रिफर करता हूँ बेंच रिस्ट कर्ल के कंपैरिजन में, क्योंकि बेंच रिस्ट कर्ल में रिस्ट का फ्लेक्सिबिलिटी उतना नहीं रहता और रिस्ट जॉइंट के ऊपर स्ट्रेस ज्यादा पड़ता है। एक्सरसाइज नंबर 3, स्टैंडिंग रिस्ट एक्सटेंशन। ये एक्सरसाइज करने के लिए बार को ओवर हैंड ग्रिप से पकड़ें और अपनी रिस्ट को ऊपर की ओर मोड़ें और फिर वापस नीचे न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाएं। आप रिस्ट कर्ल और रिस्ट एक्सटेंशन दोनों ही एक्सरसाइज में बारबेल के बदले में डंबल्स भी यूज कर सकते हैं। आपको ये एक्सरसाइज स्टैंडिंग रिस्ट कर्ल के साथ सुपर सेट में करना है। ये दोनों ही एक्सरसाइज सिमिलर हैं, मगर रिस्ट कर्ल में एल्बो फ्लेक्सर ट्रेन होते हैं और रिस्ट एक्सटेंशन में एल्बो एक्सटेंसर्स। एक्सरसाइज नंबर 4, रिवर्स कर्ल। इस एक्सरसाइज से हमारे ब्रेकियोरेडियलिस मसल ट्रेन होंगे और ये मसल्स बढ़ने से हमारी फोरआर्म का ओवरऑल साइज बढ़ता है। यहाँ पे आपको प्रोनेटेड ग्रिप यूज करना है जिससे कि आपका बाइसेप मसल के ऊपर कम से कम स्ट्रेस पड़ेगा, ब्रेकियोरेडियलिस के ऊपर सबसे ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। 5th एक्सरसाइज, रिस्ट रोलर्स। इस एक्सरसाइज को करने के लिए एक बार पकड़ें और उससे 30 से 60 सेकंड के लिए जितना जल्दी हो सके आगे की ओर घुमाएं, फिर बार को जल्दी से पीछे की ओर घुमाएं। ये हमारा लास्ट फिनिशिंग मूवमेंट है ताकि भाई हम फोरआर्म के ऊपर मेटाबॉलिक स्ट्रेस को इंड्यूस कर पाएं और फोरआर्म मसल को फैटीग कर पाएं। मल्टीपल स्टडीज में ये देखा गया कि भाई मेटाबॉलिक स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है मसल ग्रोथ के लिए। रिसर्च में ये देखा गया कि भाई अगर हम फोरआर्म मसल्स को हफ्ते में 2 से 3 बार अगर हम ट्रेन करते हैं ना तो फोरआर्म का मसल ग्रोथ सबसे अच्छा होता है। और ये जितने भी एक्सरसाइज है आप इसको आपके करेंट वर्कआउट रूटीन में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे मैं आपको अभी डिटेल में बता देता हूँ। एक हफ्ते का पूरा रूटीन आपको बता देता हूँ कि भाई आपको कौन कौन से फोरआर्म वर्कआउट कब करने हैं, कितने सेट्स करने हैं और कितने रिपीटेशंस लगाने हैं। हफ्ते में हम 3 दिन फोरआर्म के लिए वर्कआउट करेंगे। जिस दिन हम आर्म का वर्कआउट करेंगे उसी दिन हमको रिवर्स कर्ल लगाने हैं 2 से 3 सेट और रिपीटेशन उसके लिए रहेगा 10 से 15 रिपीटेशन। बैक वर्कआउट के बाद आपको करना है बारबेल आइसोमेट्रिक होल्ड और ईच हैंड में आपको 30 सेकेंड होल्ड करके रखना है और रिस्ट रोलर आपको करना है 2 सेट। चेस्ट वर्कआउट के बाद आपको करना है स्टैंडिंग रिस्ट कर्ल एंड रिस्ट एक्सटेंशन वो भी सुपर सेट में और ये आप करेंगे 2 से 3 सेट। रिपीटेशन आपका रहेगा 15 से 20 रिपीटेशन। आज मैंने आपके साथ जितने भी एक्सरसाइजेस शेयर किए हैं आप उसे जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि भाई आपको कैसा फील हो रहा है
और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो देर किस बात की है भाई, जल्दी से लाइक बटन को दबा दो, क्योंकि जब भी आप लाइक करते हो ना तो आपके भाई को बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरेशन मिलता है और अच्छे अच्छे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाने के लिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपको लगता है कि मैं आपको कुछ भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ, देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर।